हर जगह हिंदू धर्म का मच रहा है डंका, चिंता में पड़ गए हैं। इस्लामिक देश मुस्लिम देशों में लग रहे हैं जय श्री राम के नारे। दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब पूरी दुनिया में बजेगा सिर्फ एक ही धर्म का डंका, और वह है हिंदू धर्म। बहुत हो गया भेदभाव, अब हर मुस्लिम भी बोलेगा जय श्री राम। दोस्तों, फिलहाल जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं उसे देखकर पाकिस्तान के लोग लगातार इस्लाम को छोड़ने में लगे हुए हैं और एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान में मौलानाओं की रातों की नींद गायब हो गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के लोगों को लेकर बात करने वाले हैं जो अभी लगातार इस्लाम को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। साथ ही आपको इससे लेकर पाकिस्तान मौलानाओं के उन रिएक्शंस को भी दिखाएंगे जिसमें यह मौलाना छाती पीट पीट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस बने रहिए वीडियो में एंड तक और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम किसी समय पर एक दूसरे के दुश्मन माने जाते थे और माने जा रहे हैं, लेकिन यह दोनों धर्म एक दूसरे के हमसफर बन जाएंगे और चारों तरफ केवल एक ही नारा, एक ही रंग और एक ही धर्म होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह सवाल होगा ना आपका। तो जनाब, आपको बता दे कि अखबारों से लेकर हर न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल को लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म तक अगर सबसे ज्यादा चर्चा का कोई विषय है तो वह केवल हिंदू धर्म ही है। और जिस तरह दुनिया के देशों में हिंदू धर्म की आस्था को मानने वाले अपने धर्म को छोड़कर सनातनी बनते जा रहे हैं, वो वाकई हैरान करने वाली बात है। आज दुनिया के ज्यादातर देशों में हिंदू धर्म का इस कदर प्रचार प्रसार चल रहा है जिसने नामुमकिन सी दिखने वाली चीजों को भी मुमकिन बनाकर रख दिया है। वाकई में एक समय था जब गैर धर्म के पवित्र ग्रंथ को पढ़ना तो दूर, गैर धर्म के भगवान का नाम लेने पर पाबंदी लगाई जाती थी। आज उन्हीं धर्म के लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और पूरी तरह सनातनी बन रहे हैं। सुनकर खुशी हो रही होगी ना। अब खुश होने की बात तो है ही, आज दुनिया भर में हिंदू धर्म का फैलाव जो हो रहा है, वैसे सोचने में बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे देश जो सालों से अपनी कट्टरता के लिए जाने जाते हो, ऐसे देश में किसी भी तरह का परिवर्तन थोड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन हिंदू धर्म ने जो कमाल करके दिखाया है उससे तो इस्लामिक देशों में हड़कंप मच गया है। आज समय ये आ गया है कि एक्स मुस्लिम नाम से मूवमेंट चलनी शुरू हो गई है, वो भी बड़ी तेजी से। इस्लामिक देशों की जनता और सरकार तक ये मान चुकी है कि जनाब, हिंदू धर्म से निपटना कोई हंसी खेल नहीं है, क्योंकि अगर इसके खिलाफ गए तो हमें कोई पार नहीं लगा सकता। दोस्तों, आलम यह है कि अपनी कट्टर पंक्तियों के लिए जाने जाने वाले इस्लामिक देश आज मस्जिद को छोड़कर मंदिर बना रहे हैं। सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, यह तो कुछ नहीं, नौबत मंदिर में माथा टेकने तक आ गई है। वेल दोस्तों, अब तो मान लीजिए कि यह तो फिल्म आने से पहले छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि आगे जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर तो जनाब आप खुद अपने कानों पर शक करना शुरू करेंगे कि कहीं गलत तो नहीं सुन लिया। जी हाँ, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है जिसने मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा के रख दिया है, और इस लिस्ट में हमारा प्रिय खास दुश्मन देश जो हमारा पड़ोसी है वह भी शामिल है। दोस्तों, यह बात बताने की जरूरत नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का कितना गहरा रिश्ता है, अरे मतलब मनमुटाव जो अक्सर सुर्खियों में भी देखा जाता है। और इसी पड़ोसी देश में आज हिंदू धर्म की क्रांति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस क्रांति की आग कुछ इस तरह लगी है कि दोस्तों, पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, कट्टरपंथियों की तो रातों की नींद उड़ गई है, वही खबरों ने आम लोगों को हैरान कर दिया है। वाकई यह खबर हैरान करने वाली तो है, साथ ही यहां हिंदू धर्म में आने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तानी मीडिया से लेकर यूट्यूब और मदरसों से लेकर राजनीति तक केवल यही चर्चा चल रही है। वही बात करें इस्लामिक देशों में सबसे ज्यादा मशहूर सऊदी अरब की, तो आजकल सऊदी अरब में अलग ही माहौल चल रहा है। वहां भी हिंदू धर्म दस्तक दे चुका है और लगातार वहां मंदिरों के निर्माण की बात चल रही है। आपको बता दें कि इसका श्रेय ज्यादातर हमारे भारत के कुछ संतों को जाता है जिन्होंने कुछ दशकों को पहले विदेशों में हिंदू धर्म की नींव रखने का प्रयास किया था और वहां प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। भागवत गीता से मुस्लिम देशों में नींव रखने का उनका प्रयास आज साफ साफ नजर आ रहा है, और इसी तरह से शुरू हुआ हिंदू धर्म का यह सिलसिला आज तक ऐसे ही काम कायम है। और अब तक हिंदू धर्म इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि पश्चिमी देशों में आज हिंदू धर्म का अध्ययन किया जा रहा है। यही नहीं, सुनने में तो यह भी आ रहा है कि स्कूल कॉलेज में भगवद गीता पढ़ाई जा रही है। दोस्तों, एक समय पहले एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि सऊदी अरब में बीते 3 सालों में भागवत गीता की लगभग 15 करोड़ अरबी कॉपी बिक चुकी है। इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां हिंदू धर्म का कितना क्रेज होगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया भर में हिंदू धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। इस्लाम से लेकर ईसाई धर्म के लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। इस्लाम धर्म को छोड़ हिंदू धर्म को अपनाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या पाकिस्तानियों की है। पाकिस्तान के पढ़े लिखे और समझदार युवा अब इस्लाम धर्म को छोड़कर
हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। यह बात पाकिस्तानियों के मौलवियों सहित भारत के सभी मौलवियों को पता भी है। वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ मीडिया के सामने अपनी भड़ास निकालते हुए दिखाई देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक 4 लाख लोगों ने मुस्लिम धर्म का त्याग कर दिया है और वो लोग एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। किसी राष्ट्र में एक ही संप्रदाय के इतने अधिक लोगों का अपने धर्म को छोड़ना उस धर्म के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द पाकिस्तान में मौजूद तमाम मस्जिदों को तोड़कर वहां पर हिंदू धर्म मंदिरों का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में मुसलमानों के नमाज पढ़ने, उनके टोपी पहनने और दाढ़ी रखने पर भी बैन लगा दिया जाएगा। पाकिस्तान में हिंदू धर्म की लहर का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि वहां पर होने वाले चुनावों में हिंदू प्रत्याशी को जीत नहीं मिल पाती थी, पर आज सबसे ज्यादा हिंदुओं को पाकिस्तान के अंदर चुनाव में जीत हासिल हो रही है। पाकिस्तान के मुसलमान भी इस बात को समझ चुके हैं कि आज पाकिस्तान की जो खराब स्थिति हुई है वो केवल मुस्लिम नेताओं की वजह से ही हुई है। अगर वो लोग हिंदू नेताओं को एक मौका देंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान का उद्धार हो जाए। वर्तमान समय में पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। जो पाकिस्तान भारत जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी देता है, उसके पास आज खाने तक के पैसे भी नहीं बचे हैं। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आज किसी मुल्क में उसे इज्जत नहीं दी जा रही है। बस यही बातें पाकिस्तान के मुसलमानों को इस्लाम धर्म छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपनाना गुनाह माना जाता है, लेकिन भारत या फिर अन्य कई देशों में ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान के मुसलमानों को इस्लाम धर्म छोड़ने के लिए उकसा रहे हैं। कुछ समय पहले पाकिस्तान की सरकार ने ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल बैन किए थे जो इस्लाम धर्म की बुराई कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस समय भी पाकिस्तान में हिंदुओं की राष्ट्रीय सियासी पार्टी है जिसके आगे पाकिस्तान का बड़े से बड़ा मुस्लिम नेता भी झुकता है। पार्टी को बनाने वाले शख्स पाकिस्तान के कद्दावर हिंदू नेता थे। पाकिस्तान में ऐसी सियासी पार्टी बनाना भी कोई हंसी खेल नहीं था। इसके बाद भी ऐसी पार्टी को खड़ी करना दिलेरी का काम था। इस पार्टी को पाकिस्तान के उमरकोट रियासत के हिंदू राजा राणा चंद्र सिंह ने 1990 में बनाया था। पार्टी को बनाने के पीछे का उद्देश्य था कि इससे पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की आवाज बुलंद होगी और मुस्लिम लोगों द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की इस पार्टी को समर्थन नहीं मिल पाया, जिस वजह से यह पार्टी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। पार्टी का झंडा भगवा रंग का था जो शिवाजी इस्तेमाल करते थे। उनके झंडे पर ओम और त्रिशूल प्रतीक के तौर पर बने हुए थे। 2003 में राणा चंद्र सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी की कमान राणा हमीर सिंह को सौंप दी गई है और वर्तमान समय में वो पाकिस्तान की राजनीति से जुड़े हुए हैं। उनकी छवि पाकिस्तान के अंदर एक दबंग राजपूत के तौर पर है जिनके सामने अच्छे अच्छे नेता भी घुटने टेक देते हैं। दोस्तों, अल्लाह के नाम पर बना मुल्क पाकिस्तान जब अल्लाह को मानने वालों का ही नहीं हो पाया तो किसका होगा? यही वजह है कि आज पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।